हेलो बच्चों, मैं हूं वर्षा सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। इसका हम एक आज मेथड पढ़ा रहे हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना। पूर्ण वर्ग बनाकर क्या होता है, आपको बेसिक पहले समझिए। आपने क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ में एक टॉपिक पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह आपने पढ़ी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में यही रूल होता है, इन तीन चीजों में कोई दो चीज आपको दे रखी होगी या एक चीज दे रखी होगी। आप समझिए, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2। अब हमें या तो इसके फॉर्म में बदलना है या तो इसके फॉर्म में बदलना है। देखिए, इस x को अगर कन्वर्ट करना चाहे तो ये हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये कंफर्म हमारा हो गया ए स्क्वायर, ए का मतलब फर्स्ट स्क्वायर। ये बी स्क्वायर तो कन्वर्ट होने रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 into ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। अब बी ऐसी कौन सी डिजिट रख दे यहाँ पे 10 आ जाए, क्या आ जाए 10, 2 5 10। तो यहाँ बी क्या होना चाहिए 5 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 5 का ही स्क्वायर हम अपनी तरफ से क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू 0। ये आपका 0 अगर वैल्यूज क्या है तो आपकी वैल्यू होगी। इन तीनों को एक टर्म में लेंगे तो इसको शॉर्ट करेंगे किस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम शॉर्ट करेंगे, तो लिखेंगे एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? तो ये आपका हुआ x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0। x माइनस 5 का होल स्क्वायर ये माइनस में है, उधर इंटरचेंज करेंगे या ट्रांसपोज करेंगे, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में समझेंगे ज्यादा फायदा होगा। अब ये स्क्वायर है, उधर इंटरचेंज करेंगे, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट में अंडर रूट ऑफ 27। अंडर रूट 27 को जब हम सॉल्व करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 3 into root 3। ये आपका आएगा प्लस माइनस में, इसमें आएगा प्लस माइनस में। अब प्लस माइनस में आएगा तो ये माइनस में ये उधर ट्रांसपोज करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 3 into root 3। 5 प्लस माइनस 3 into root 3। अब ये आपकी x की वैल्यू है, यहां पे इसका मतलब आपको है एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। x में जो पॉजिटिव आएगा तो 5 प्लस 3 into root 3 एक आंसर आ गया। दूसरा आपका आया x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 into root, ये आपकी दो वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी कितनी वैल्यू आएगी, दो, एक ये वैल्यू आई और एक ये वैल्यू आई। ये चीज समझ में आई? बस आपको इतना याद रखना है, इन तीनों चीजों में कोई दो चीज दे रखी होगी या कभी कभी एक भी नहीं दे रखी होगी, आगे आपको दिखाई पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन आपका सेकेंड क्वेश्चन, मैथ बहुत आसान हो तो इससे प्रैक्टिस करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, 3x² माइनस 5x प्लस 2। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमने कहा था इन तीन चीजों में कोई दो चीज दे रखी होगी, लेकिन यहां पे हमको कोई नहीं मिला क्योंकि 3x² किसी परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, नहीं होता। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो यहां इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे या 3 से डिवाइड कर दे। अगर यहां पे हम 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर हम बोथ साइड में 3 से, क्योंकि बोथ साइड में करेंगे, ये चीज आपकी हो गई x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू
जीरो। अब हमें इन तीन में एक चीज तो हमको मिल गई, क्या मिल गई, ये जो टर्म बना वो क्या बना, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, तो कंफर्म है ये टू ए बी दे रखा होगा, टू इंटू ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। अब बी ऐसे कौन सी डिजिट होगी जो 5/3 आ जाए, टू को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 5/3। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैजिक लगाइए, टू को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि 5/3 आ जाए। तो आपने 6-7 में चैप्टर पढ़ा है, कोई भी हमने एक मान लिया क्वेश्चन नंबर, हमने ए मान लिया, ए का मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट है, तो ए इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है उधर ट्रांसपोज होगा, तो 5/3 डिवाइडेड ऑफ टू, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6। तो देखिए यहां पर 5/6 अगर हम बी की जगह रख रहे हैं तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो -5/3 आ गया, तो हमारे लिए बी जो हो गया वो क्या हो गया 5/6 का होल स्क्वायर। ये तो आपके पास है वो तो आप बता दिए होंगे, 2/2/3 इक्वल टू 0। इन तीनों को टर्म को एक डिजिट मान लेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 25/36 प्लस 2/3 इक्वल टू 0। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, हर चीज आपको फेयर में जरूरी नहीं है, इसको रफ में आप सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लिखेंगे 2/3 माइनस 25/36, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आ जाएगा 36। 36 लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 12 से, इसको भी किससे करना पड़ा, 24 माइनस 25 इज इक्वल टू -1/36 -1/36। तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/36 इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ। अब यहां पे हम करेंगे x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36, और 1/36 को लिख सकते हैं 1/6 का होल स्क्वायर, 1/6 का होल स्क्वायर। अब हम यहां पर आपको समझिएगा, इधर स्क्वायर है उधर इंटरचेंज हम करेंगे, तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर उधर स्क्वायर रूट में चला जाएगा, 1/6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट निकालिएगा तो आपका आ जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू +-1/6। प्लस माइनस का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है, दो वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दो वैल्यू आएगी तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, x इज इक्वल टू 5/6 +-1/6। अब एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव, पॉजिटिव लिया और इधर क्या लिया हमने निगेटिव, तो x इज इक्वल टू 5/6 +1/6, और इधर माइनस जब लेंगे तो x इज इक्वल टू 5/6 -1/6, x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा 5+1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/6, तो x की वैल्यू आपकी आ गई, x की वैल्यू कितनी आई 1, यहाँ डिनोमिनेटर 6 आ गया, 5-6 इज इक्वल टू 4/6, सिंप्लीफाई किया 2 2 2 3 0, तो आंसर आया 2/, ये आपका क्वेश्चन का हो गया मेथड ऑफ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना। अब आपको हम तीसरा क्वेश्चन लगवाते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका 2x² + x - 4। फिर समझिए, ये ए स्क्वायर बन नहीं रहा है, ये बी स्क्वायर नहीं बन रहा था, कंफर्म है इसको हम ए स्क्वायर बनाने के लिए हम करेंगे 2x² + x - 4 डिवाइडेड ऑफ 2 इन बोथ साइड, तो ये जो सिंप्लीफाई हो गया आंसर आया x² +
वन बाय टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब हमें इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये तो हमारा कंफर्म हो गया, ये बन गया हमारा ए स्क्वायर, क्या बन गया। अब ये टू इंटू ए इंटू बी, अब बी टू को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, वन बाय टू आ जाए। अब आपको फिर वही रफ वाला काम करना है आपका, यहां पर रफ में करेंगे टू को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दे कि आपके आंसर आ जाए वन बाय टू। कोई एक हमने कॉन्स्टेंट नंबर मान लिया वन बाय टू इंटू टू, आंसर कितना आया वन बाय फोर। तो यहां पे हम रखेंगे बी की जगह रखेंगे वन बाय फोर। देखिए सॉल्व करके आ रहा है। अब तो वन बाय फोर बी स्क्वायर हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे और इसी को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस टू तो आपके पास पहले से था। इन तीनों को हम एक टर्म ले लेंगे, इन तीनों को एक टर्म लेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वन बाय फोर का होल स्क्वायर माइनस वन बाय सिक्सटीन माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब इस चीज को हम रफ में सॉल्व कर लेंगे। रफ में कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस वन बाय सिक्सटीन माइनस टू अपॉन वन लेके एलसीएम ले लिया, आगे सिक्सटीन माइनस वन माइनस थर्टी टू आ जाएगा माइनस थर्टी थ्री अपॉन सिक्सटीन। इसको हमने सॉल्व किया तो एक्स प्लस वन बाय फोर का होल स्क्वायर माइनस थर्टी थ्री अपॉन सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस वन बाय फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस से ट्रांसपोज होगा थर्टी थ्री अपॉन सिक्सटीन, थर्टी थ्री अपॉन सिक्सटीन। अब इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो उधर आपका जाएगा स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर है उधर जाएगा स्क्वायर रूट। एक्स प्लस वन बाय फोर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थर्टी थ्री अपॉन सिक्सटीन, एक्स प्लस वन अपॉन फोर इज इक्वल टू, देखिए ऊपर 33 का निकल नहीं सकता उसको अंडर रूट ऑफ 33 लिखना है हमको, नीचे स्क्वायर रूट 16 का निकल आ रहा है 4, ये हो गया प्लस माइनस 4। तो x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर, x इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू आप ए का पॉजिटिव और एक बार निगेटिव, ए का पॉजिटिव एक बार निगेटिव। अब यहां पर एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव लेने पर आ जाएगा माइनस वन बाय फोर प्लस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 4, डिनोमिनेटर इक्वल है तो माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ 33 आपका आंसर आ गया। और बहुत अगर होगा तो आप इस चीज को पॉजिटिव को पहले लिख दो, निगेटिव को बाद में लिख दो, ये पॉजिटिव का होगा। अब एक बार नेगेटिव साइन लेने पर, नेगेटिव साइन लेने पर x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन बाय फोर माइनस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इक्वल आ गया माइनस वन माइनस अंडर रूट ऑफ 30, ये आपके दो आंसर हैं। समझ में आया आपका ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब चौथा क्वेश्चन आपका है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। फिर समझिए इसमें देखिए एक चीज तो तुम्हें ए स्क्वायर दे रखी है, ए स्क्वायर दे रखी है तो इसको हम लिख देंगे क्या ए स्क्वायर, बीच वाला टर्म क्या होना चाहिए माइनस टू है भी या तो प्लस टू है, माइनस है टू इंटू ए का मतलब होता फर्स्ट टर्म, बी का मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए टू को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दे क्या जाए सिक्स, ये तो आपका इजी है किससे मल्टीप्लाई किया बी, तो बी हमारे लिए जो है वो क्या है थ्री,
तो बी स्क्वायर हमने अपनी तरफ से हमने ऐड किया और अपनी ही तरफ से हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। क्योंकि मैथ में आपको पता है कोई भी चीज अपनी तरफ से ना एडिशन कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ना मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ना डिवीजन कर सकते हैं। इन तीनों को अगर एक टर्म मानोगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपका आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 है, उधर इंटरचेंज हुआ प्लस 6। x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, उधर इंटरचेंज करो तो आपका आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट सिक्स। प्लस माइनस रूट सिक्स का मतलब होता है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब हम इसको अगर पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा, पहले मिनट चेंज करेंगे, ये माइनस है उधर जाएगा आपका प्लस में, प्लस माइनस रूट सिक्स। अब प्लस माइनस रूट सिक्स का मतलब एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। अगर हम यहां पर पॉजिटिव साइन ले रहे हैं और एक बार निगेटिव साइन ले रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस रूट सिक्स। अगर हम निगेटिव ले रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस रूट सिक्स। ये चीज क्लियर हुई, ये आपका है मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर। इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन से नहीं लगवा रहे हैं, इसलिए 3-4 क्वेश्चन से लगवा दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब इस बेस पे 4 क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, आप इसे घर में प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो में इस चीज का हम सॉल्यूशन कराएंगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा आंसर सही है या गलत है या किस जगह पे गलत है। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, इसको आप लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास बुक अवेलेबल नहीं है, कुछ में आंसर गलत है, तो आप आराम से लगाइएगा। अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।